जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस नोट जो RSMSSB ने आपके लिए जारी किया है, वो है राजस्थान वनपाल और वनरक्ष की भर्ती से संबंधित। मैं आप लोगों को बताऊं इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से, और उन सभी भाई बहनों को देखना चाहिए जिन्होंने वनपाल वनरक्ष का फॉर्म फिलअप किया है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट घोषणा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नोटिस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रेस न्यूज है। दोस्तों, आज जो भी दो लिस्टें आई है वनपाल और वनरक्ष की, जिसके अंदर उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये जानकारी जुटा पाना बहुत ही जरूरी है, जुटा लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जिन्होंने दो दो फॉर्म फिलअप किए थे उनके एक एक फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। वनपाल और वनरक्ष दोनों के लिए जिन्होंने दो दो फॉर्म फिलअप किए थे, जिन्होंने मल्टी फॉर्म फिलअप किए थे, एक से अधिक फॉर्म जिन्होंने भरे थे, उनके एक एक फॉर्म रखा गया है, बाकी फॉर्म उनके रिजेक्ट कर दिए गए। तो अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है, उस लिस्ट में देखकर आपको ये पता लगाना है कि कहीं आपका उस लिस्ट में नाम तो नहीं, और अगर नाम है तो आपका कौन सा एप्लीकेशन नंबर वाला जो फॉर्म है उसको आपका एक्सेप्ट किया है और किसको आपका रिजेक्ट किया है। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसी के आधार पर आपका एडमिट कार्ड आएगा और उसी के आधार पर ही आप अपना फॉर्म फिलअप किए और एग्जाम देने के लिए जा पाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी, आपके समझ में आएगी, क्योंकि जिन्होंने एक से अधिक फॉर्म फिलअप किए उनके एक फॉर्म ही एक्सेप्ट किया है, बाकी फॉर्म उनके रिजेक्ट कर दिए, और दोनों की लिस्ट है RSMSSB ने जारी की है, जो मैं आप अपना टेलीग्राम चैनल BL एजुकेशन एंड मोटिवेशन को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं दोनों ही लिस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं, वहां से आप देख के खुद पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ और कौन सा रिजेक्ट हुआ। दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रेस थी, न्यूज थी, जो मैंने आप लोगों को बताई आपके वनपाल वनरक्षक की भर्ती से संबंधित। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।